स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है। पहला मैच जैसे तैसे मतलब गिरते पड़ते टीम इंडिया जीत गई 5 विकेट से। वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली की तो खैर बैटिंग ही नहीं है, रोहित शर्मा नंबर 7 पर उतरे और फिर मैच जिताया। तो जैसे तैसे मैच जीते तो लगा कि भाई चलो पहले वनडे में गलतियां हो गई तो दूसरे वनडे में नहीं होंगी। दूसरे वनडे में तो गलती क्या पूरा मतलब ये कहें कि इन्होंने जानबूझकर हारे या क्या हारे समझ नहीं आया। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर क्या चल रहा है, ये जो म्यूजिकल चेयर गेम होता है क्या ये चलाना चाह रहे हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, समझ के बाहर था। विदाउट एनी लॉजिक, मतलब कोई लॉजिकल बातें नहीं थी। जिस तरह के चेंजेस करे, जिस तरह की टीम खिलाई, जिस तरह के डिसीजन लिए, सब कुछ उठा पड़ गया। और वेस्टइंडीज जो दूसरा वनडे है वो 6 विकेट से भारत को हरा दिया उन्होंने। और अब ये जो सीरीज़ है वो सीरीज़ हार का खतरा टीम इंडिया पर मंडरा रहा है। तो पहले 2 वनडे में 1-1 इंडिया और वेस्टइंडीज जीता। अब तीसरा वनडे मुकाबला 1 अगस्त को खेला जाएगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया सीरीज को जीतने के लिए जाती है या नहीं, क्योंकि अगर जीतने के लिए जाती है तो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारेगी और शायद उन्हीं नंबर पर बैटर्स को उतारेगी जिस नंबर पर वर्ल्ड कप में वो उतरने वाले हैं, जैसे कि रोहित शुभमन ओपन, नंबर 3 विराट, नंबर 4 सूर्या, नंबर 5 ईशान किशन, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा और बाकी और अन्य खिलाड़ी जो पेसर्स और स्पिनर्स हैं। पर अगर टीम इंडिया को अभी भी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि राहुल द्रविड़ ने सेकेंड मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि भाई हम लोग सोच रहे थे कि रोहित विराट को हटाकर अगर कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जाएं तो वो बेहतर रहेगा और ये एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते ताकि वर्ल्ड कप के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। अब अगर ये थॉट्स है तो भाई तब तो फिर सेम प्लेइंग 11 खेलेगी और अगर नहीं तो फिर चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की कि थर्ड वनडे मुकाबले के लिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। तो अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो अगर सेकेंड वनडे मुकाबले के हिसाब से ही अगर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने टीम चुनते हैं तो शुभमन गिल, ईशान किशन विकेट कीपिंग करेंगे ईशान किशन और ओपनिंग भी कर सकते हैं शुभमन के साथ, नंबर 3 संजू सैमसन, नंबर 4 हार्दिक पांड्या, नंबर 5 सूर्या, नंबर 6 रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक और मुकेश कुमार। अब ये टीम हो सकती है, इसमें फेरबदल हो सकता है बैटिंग की पोजीशन में, किसी को भी कहीं भी उतारा जा सकता है जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का मन करेगा। अगर टीम इंडिया इसी एक्सपेरिमेंट के उस पर जाती है तो फिर यही टीम रहेगी, वरना फिर टीम हो सकती है कि भाई रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली वापस आ जाएं और फिर आपके जो 2 प्लेयर्स हैं वो ड्रॉप हो जाएं। तो ये इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो लगभग सेम रहेगी सेकेंड ओडीआई वाली। अब अगर बात करें वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 की तो भाई वो तो लगभग सेम खिलाने वाले क्योंकि वो तो जीते थे। ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स ये ओपन करेंगे, एलेक एथनाज़े रहेंगे, शाई होप रहेंगे जो कैप्टन एंड विकेट कीपर हैं, शिवनन हेटमायर रहेंगे, कासी कार्टी रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड, यानिक कैरिया, अल्जारी जोसेफ, गुटाकेश मोती और गैडन सील्स, ये रहेगी वेस्टइंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो सेकंड ओडीआई की सेम रहने वाली है। तो भाई ये थी इंडिया और वेस्टइंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर इंडिया ने जैसा मैंने कहा कि सेकंड वनडे मुकाबले के हिसाब से जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर तो फिर सेम रखेंगे, अदरवाइज अगर सीरीज जीतना है तो भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि इनके बिना तो बंटा ढार है, हमने देख लिया ये सेकेंड ओडीआई में और पहले वनडे मुकाबले में भी। और वेस्टइंडीज की बात करें तो वो तो भाई अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अब आपके इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।